रीवा के पहले रेलवे स्टेशन डभौरा का नाम गुलाबगंज कर दिया गया। डभौरा के स्थानीय लोग आज रीवा आए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका साफ तौर से कहना था, डभौरा में कभी भी गुलाब नाम का कोई व्यक्ति नहीं जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान हो, तत्काल हमको हमारा पुराना नाम लौटाया जाए, नहीं तो हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। डभौरा का नाम गुलाबगंज क्यों? स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। डभौरा का नाम बदलने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया प्रारंभ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के आदेश पर डभौरा का नाम बदलकर गुलाबगंज कर दिया गया, जिसको लेकर अब धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा। स्थानीय लोग का कहना है, गुलाबगंज नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है कोई नहीं जानता, तत्काल इस नाम को हटा दिया जाए, हमें हमारा पुराना नाम ही चाहिए। रीवा के कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने आए तमाम लोगों का कहना था, गुलाबगंज नाम क्यों रखा गया, इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे डभौरा में नहीं हुआ, तत्काल प्रशासन अपना निर्णय वापस ले, हमें हमारा पुराना नाम ही चाहिए, अगर हमें हमारा पुराना नाम नहीं मिला तो हम जन आंदोलन करेंगे, हम किसी भी हालत में डभौरा का नाम नहीं बदलने देंगे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में गुलाब नाम के किसी व्यक्ति ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, अगर लड़ी हो तो बताएं। डभौरा में रणजीत राय दीक्षित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने रणमत सिंह की मदद की, उनको अपने यहाँ शरण दी, अंग्रेजों से उनके हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी गुलाब नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद स्थानीय लोग का साफ तौर से कहना था, ये लड़ाई जारी रहेगी, हमें अपना पुराना नाम डभौरा वापस चाहिए। सुनिए ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया। हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, ये डभौरा की आम जनता है जिससे बिना पूछे बिना कुछ निर्णय मांगे अचानक से डभौरा का नाम कोई गुलाबगंज कर दिया जाता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, ये गुलाब कौन है, इनका योगदान क्या है, 1857 की क्रांति में योगदान क्या है, क्या इन्होंने कोई चुनाव लड़के देश के लिए कोई बलिदान दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई जंग लड़ी है, अगर लड़ी है तो बताएं, नहीं तो ये गुलाब नाम क्या है ये हम नहीं जानते। गुलाब है कौन, हम खुद नहीं जानते कि हमारे वीर भूमि डभौरा, जिसका वर्णन लंदन म्यूजियम से अंग्रेजों के बंगाल गैजेटियर से लेके कुंवर बहादुर सिंह आरा से लेके रानी लक्ष्मीबाई के म्यूजियमों में वर्णित है, उस डभौरा का नाम आप चेंज करके बिना किसी की राय लिए क्यों उसे बदलना चाहते हैं, क्या नाम थोपना चाहते हैं आप? तो ये हम सब जनता यहाँ आज विरोध करने इसलिए खड़ी हुई है कि हमारे पूर्वजों की अस्मिता से छेड़छाड़ ना करें, हमारे पूर्वजों को बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ दिया जाए, नहीं तो जनता विद्रोही तेवर अपनाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जिन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। ये डभौरा का नाम गंज करना ये हमारा अपमान है। पहले गंज सब तो क्या नाम? मतलब उस टाइम का है और आज रखने से कोई बात नहीं। डभौरा 1804 से अमालदारी बना, रणजीत राय दीक्षित के पूर्वजों के नाम से उसे डभौरा नाम दिया गया। डभौरा बड़ा ही पवित्र नाम है, डभौरा डूब घास के ऊपर बना हुआ, डमरू के ऊपर बना हुआ, भगवान शिव को समर्पित है, ये शिव की भूमि है। आप उसका नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे गंज रख के क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है ये? पहले क्या नाम था, अब क्या नाम? हमेशा से डभौरा का नाम डभौरा ही रहा है, आज पिछले 250-300 वर्षों से डभौरा का नाम डभौरा ही रहा है, अभी पिछले 5 साल से इसके माननीय विधायक जी के कुछ लोगों ने यह बताना शुरू किया कि इसका नाम गुलाब कर दिया जाए। हवा हवाई क्या है गुलाब, कौन है गुलाब? गुलाब का नाम ही नहीं है, हमने कभी इतिहास में गुलाब का नाम नहीं सुना। और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पवित्र चीजों को, क्या भगवान शिव का नाम हम किसी नाम किसी और की भूमि पे नाम रख सकते हैं? कल को आप केवल इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, शेरशाह सूरी के रीवा का नाम आप जीवन भर कभी बदल नहीं पाए, तो आप चारों तरफ अपने अपने पूर्वजों के नाम, अपने लोगों के घरानों के नाम रखना चाहते हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट है, जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी, अगर सरकार हमारा सहयोग करेगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार के खिलाफ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ हम काम करेंगे। फिर क्या नाम है आपका? हमारा नाम नमन कुमार अवस्थी है।
क्या तुम ना फोटो क्या माने दबौरा हमारे रीवा जिले का सबसे पुराना तो रेलवे स्टेशन है और साथ ही डभौरा जो है शहीदों की भूमि रही है और आज जो ये कृत्य किया जा रहा है डभौरा के साथ में और डभौरा के नगरवासियों के साथ में वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, क्योंकि किसी भी शहर का नाम परिवर्तित करने के लिए या नगर परिषद अब हमारी डभौरा हो चुकी है उसका नाम परिवर्तित करने के लिए आप कम से कम वहाँ के जो लोग हैं आप उनकी राय लो, उनसे पूछो, ऐसे चोरी छुपे इस तरह के काम करना निंदनीय है और हम सब इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे मांग करने आए हैं कलेक्टर महोदय के पास में कि उसको डभौरा को यथावत किया जाए, गुलाबगंज हम लोग को स्वीकार नहीं है। किसके द्वारा किया गया यह क्षेत्रीय विधायक के बिना यह कार्य संभव ही नहीं है। कौन से विधायक, क्या नाम है? देवराज सिंह।